हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड बूस्टर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है स्टॉक मार्केट लॉसेस या फिर स्टॉप लॉस हिटिंग। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैक्सिमम लोग परेशान हैं। कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है, आप उसमें पोजिशन बनाते हैं और स्टॉक ऊपर जाने के बजाय आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। वैसे इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी कई बार अपने लाइव सेशन में डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कुछ नए पॉइंट्स ढूंढे हैं कि कैसे स्टॉप लॉस हिटिंग को अवॉइड किया जाए और स्टॉक मार्केट लॉसेस को कम किया जाए, और उन्हीं पॉइंट्स को मैं आज इस छोटे से वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और एक अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर की तलाश में हैं, तो पेटीएम मनी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी 5 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, पेटीएम मनी की सबसे अच्छी बात यह है कि जहां बाकी ब्रोकर्स इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडिंग में 25 से 30 रुपए पर ऑर्डर चार्ज करते हैं, वहीं पेटीएम मनी केवल 15 रुपए चार्ज करता है। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और ट्रेडिंग स्टार्ट करें। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है मार्केट सपोर्ट। आपने वो पतंग वाली कहावत सुनी होगी कि अगर हवा चलेगी तो ही पतंग उड़ेगी, और दोस्तों वैसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। अगर मार्केट आपकी ट्रेडिंग को सपोर्ट करेगी तो ही आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में पैसा बना पाओगे। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही है और स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैक्सिमम चांस होंगे ब्रेकआउट फॉल्स होने के और स्टॉप लॉस हिट होने के। इसलिए अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जा रहा हो और आप ऊपर की तरफ दाव लगा रहे हो, तो ऐसे में आपको फॉल्स सिग्नल देखने के लिए मिलेंगे। ब्रेकआउट फॉल्स होंगे और स्टॉप लॉस हिट होंगे। इसलिए अगर ब्रेकआउट को मार्केट का सपोर्ट मिल रहा हो तो ही खरीदारी करें, अदरवाइज उस ट्रेड को अवॉइड करें। दोस्तों, सेकेंड पॉइंट है ब्रेकआउट कैंडल विदाउट शेडो। दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि स्टॉक रेजिस्टेंस के आसपास में इस तरह की कैंडल बनाता है जिसमें नीचे की तरफ शेडो नहीं होती, और स्टॉक उस कैंडल से ब्रेकआउट देता है, लेकिन वो कैंडल रिट्रेस हो जाती है और ब्रेकआउट फॉल्स हो जाता है। जैसे इस स्टॉक में आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में नीचे की तरफ कोई शेडो नहीं है। ये कैंडल यहाँ से बनती है और यहाँ तक जाती है, लेकिन वापस रिट्रेस होकर यहाँ पर क्लोजिंग देती है। तो अगर आप ऐसे ब्रेकआउट पर खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको ब्रेकआउट सस्टेन होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि डाटा ये कहता है कि इस कैंडल वाले 70% ब्रेकआउट फॉल्स होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है अवॉइड कंप्लीट बाइंग एट फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल। दोस्तों, मैं जितने भी बड़े ट्रेडर्स के इंटरव्यू देखता हूँ, उन सबकी बातों में एक पॉइंट कॉमन होता है कि ये सब फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल पर कंप्लीट बाइंग करने को अवॉइड करते हैं और कहते हैं कि आपको फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल पर केवल 40-50% ही बाय करना चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि स्टॉक वहां से कैसी चाल दिखाता है। अगर स्टॉक आपके फेवर में चल रहा है तो फिर आपको उसमें अपनी बाइंग कंप्लीट करनी चाहिए। अदरवाइज अगर स्टॉक ब्रेकआउट फॉल्स करता है और आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, तो आपका लॉस केवल 50% कैपिटल पर ही होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल पर केवल 50% मैक्सिमम बाइंग की है। और दोस्तों, फर्स्ट कैंडल पर बाइंग की जाती है केवल ट्रायल के लिए। फिर ये देखना होता है कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा है। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगे तो आप उसमें स्टेप बाय स्टेप अपनी बाइंग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर स्टॉक ब्रेकआउट फॉल्स करके नीचे आता है, तो आपने जो कैपिटल का 50% इन्वेस्ट किया है, आपका लॉस केवल इस 50% कैपिटल पर होगा। इसलिए आपको फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल पर कंप्लीट बाइंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक रियलिटी ये भी है कि स्टॉक ट्रेडिंग में केवल ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसा बनता है। अगर आप गिरते हुए मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग करके पैसा बनाने की कोशिश करोगे, तो मैक्सिमम टाइम आप लॉस करोगे। इसलिए स्टॉक ट्रेडिंग केवल ट्रेंडिंग मार्केट में ही करनी चाहिए। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहला था मार्केट सपोर्ट, सेकेंड था ब्रेकआउट कैंडल विदाउट शैडो, और लास्ट था अवॉइड कंप्लीट बाइंग एट फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो और मेरे हर सेशन का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।